बिहार में पंचायत चुनाव की सुगबुगाहट अब तेज हो गई है। ऐसे में बड़ी खबर पंचायत चुनाव को लेकर बिहार से सामने आ रही है, जहां ये बताया जा रहा है कि अब वैसे उम्मीदवार जिनके दो या दो से अधिक बच्चे हैं, वो चुनावी मैदान में नहीं उतर पाएंगे। माना जा रहा है कि बिहार सरकार की तरफ से ये जो नया मामला सामने आ रहा है, ये जो नया फैसला सामने आ रहा है, ये जनसंख्या नियंत्रण को लेकर सामने आ रहा है। ये जनसंख्या नियंत्रण को लेकर ऐसी रणनीति बनाई जा रही है। हालांकि अभी ये तय नहीं हुआ है कि ये जो अभी फैसला है ये इस साल पंचायत चुनाव में लागू होगा या नहीं, लेकिन ये तय माना जा रहा है कि जनसंख्या नियंत्रण कानून को लेकर बिहार में जिस तरह से सियासत गरमाई है, तो ऐसे में तय है कि अगले वर्ष तक ये जो फैसला है बिहार पंचायत में ये जल्द ही लागू हो जाएगा। जनसंख्या नियंत्रण को लेकर बिहार सरकार अब सख्त कदम उठाने की कोशिशों में जुट गई है। पंचायती राज विभाग त्रिस्तरीय पंचायत और ग्राम कचहरियों के चुनाव के लिए एक ऐसा मसौदा तैयार करने में लगा है, जिसके तहत दो या उनसे अधिक बच्चे वालों को अयोग्य घोषित कर चुनाव लड़ने से उन्हें प्रतिबंधित कर दिया जाएगा। साल 2021 में होने वाले पंचायत चुनाव के दौरान भले ही यह प्रावधान लागू ना हो पाए, लेकिन अगले चुनाव में सरकार इस प्रावधान को अमल में लाने पर सहमत है। पंचायत राज मंत्री सम्राट चौधरी ने तो साफ कह दिया है कि सरकार जनसंख्या नियंत्रण को लेकर काफी गंभीर है। उन्होंने बताया कि जनता को जागरूक करने के लिए पंचायत जनप्रतिनिधियों से उम्दा माध्यम कोई और हो ही नहीं सकता। यही वजह है कि सरकार जनसंख्या नियंत्रण को लेकर पंचायत और ग्राम कचहरियों के जनप्रतिनिधियों के माध्यम से यह संदेश जनता में देना चाहती है। पंचायती राज कानून 2006 में संशोधन किया जाएगा। वर्तमान में पंचायती राज नियमावली में इस तरह का कोई प्रावधान नहीं है। कानून में संशोधन के बाद सरकार इसे लागू करने में नियमानुसार एक वर्ष का समय लेगी। सरकार की यह रणनीति आने वाले पंचायत चुनाव में भले ही ना लागू हो पाए, लेकिन सरकार की तैयारी अगले पंचायत चुनाव तक इसे लागू करने की है। पंचायती राज मंत्री के तरफ से दिए गए बयान के बाद यह साफ हो गया कि सरकार बेहद गंभीरता के साथ जनसंख्या नियंत्रण को लेकर कानून बनाने की सोच रही है। फिलहाल पंचायती राज कानून 2006 में इस तरह का कोई भी प्रावधान नहीं है, लेकिन आने वाले दिनों में इसके नियमों में बदलाव देखने को मिल सकता है। सरकार इसे लागू करने में एक साल का समय ले सकती है। सरकार के मुताबिक 2016 में पंचायत और ग्राम कचहरी के चुनाव में 2.6 लाख पदों के लिए 10 लाख से अधिक चुनाव लोगों ने लड़ा था। ऐसे में कानून में संशोधन कर जनप्रतिनिधियों के माध्यम से एक बड़ी जनसंख्या तक संदेश पहुंचाया जा सकता है।